देख रहे हैं सीधा प्रसारण हमारे देश के सबसे बड़े फुटबॉल अरीना से, जहां इस सीजन का आखिरी मैच शुरू होने वाला है और यही मैच तय करेगा कि चैंपियनशिप किसे मिलेगी। दोनों टीम्स पिच पर आ चुकी हैं और अब और मैच शुरू हो गया है। अब सबकी नजरें बस इसी गेम पर चुकी है। हमारी टीम ने बॉल पर कब्जा कर रखा है ताकि सामने वाले उसे हासिल न कर सके। वो बॉल को एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पास करते हुए ओपोनेंट के पेनल्टी बॉक्स तक आ रहे हैं। हमारे स्ट्राइकर ने शूट करने की कोशिश की, बॉल ओपोनेंट के डिफेंडर पर से उछली और गोलकीपर के पास जाकर गुड आफ्टरनून प्यारे दर्शकों, ये है हमारा वीकली हेल्थ प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मिटाने के अलग अलग तरीकों के बारे में। स्ट्रेस हम आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे जो बस 10 मिनट में स्ट्रेस को मिटा देगी। सबसे आसान तरीका है किसी रिक्लाइनर या आरामदायक कुर्सी पर बैठकर शांति से चैन की सांसें लेना, या आप गर्मा गर्म चाय का मजा भी ले सकते हैं, या फिर आप तब में नहाने का गर्म पानी भरकर बड़े आराम से उसमें बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मुंह बंद रखकर नाक से गहरी सांस लें और फिर अपने चेहरे के निचले हिस्से को पानी में डुबाएं और फिर नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। बस याद रखें, इनमें से कोई भी तरीका कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी तकलीफ ठीक है। तनाव और थकावट आपका जीना मुश्किल कर सकते हैं, पर इतना याद रखिए कि आपको देर सवेर एक सेल फोन तकलीफों का हल मिल ही जाता है। मुझे दो। ओए, मैं जंगल में टहलने जाऊं? वहां तो वुल्स होते हैं ना? ठीक है, मैं नंबर डायल कर रही हूँ। सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट हाफ के अंत में ओपनिंग टीम के एक खिलाड़ी को फाउल करने के लिए पेनल्टी दी गई थी। सारे खिलाड़ी फिर से फील्ड पर आ चुके हैं। नंबर डायल कर रही हूँ। सेकंड हाफ के अंत में जोड़े गए एक्स्ट्रा मिनट भी अब खत्म होने वाले हैं। नंबर डायल कर रही हूँ। सभी खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगता है कि अब मैं नंबर डायल कर रही हूँ। हमारी टीम के फॉरवर्ड ने डिफेंडर को टॉच किया है। मैं डायल नंबर कर रही हूँ और बॉल को सीधे गोल की ओर भेज दिया। और अब चलो भागो। बार से जा टकराई, एक और किक और ये एक और गोल।
की घंटी सुन ली। तुम्हारी मम्मी आ गई। ला 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 ला। ओ मेरे प्यारे नन्हे बच्चे। ओ मेरे राज दुलारे। ओ मेरा नन्हा बाबू कितना पतला हो गया है। चले बैर के पास तुम्हारे लिए दूध लाने। हेलो, हम थोड़ा दूध लेने आए हैं। मुझे बच्चे को कुछ खिलाना है। ये। मेरा बच्चा भूख के मारे रो रहा है। अब मैं अपने बच्चे को अच्छे से खिलाऊंगी। देखो छोटी सी ये बच्ची करती दिन भर शैतानी, जिसकी सूरत है बड़ी अच्छी वो करे है मनमानी। मद बच्चों को बताए कि सफाई कैसे रखे, हाथ मुंह धोना भी सिखाए जिनसे उनकी भूख बढ़े। जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, स्वस्थ और मस्त, सफाई भी होती उनके साथ। जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, फिर वो रहते स्वस्थ और मस्त, सफाई भी होती उनके साथ। अगर बीमार पड़ जाओगे तुम ये नहीं कोई अच्छी बात, जो रखो गंदा अपना रूम भूल जाओ सफाई की बात। बच्चों अब तुम ये जान लो कि सफाई से पाओ तक साफ कर लो और हमेशा रहो क्लीन। जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, फिर वो रहते
सफाई भी होती उनके साथ। जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, फिर वो रहते स्वस्थ और मस्त, सफाई भी होती उनके साथ। जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, फिर वो रहते स्वस्थ और मस्त, सफाई भी होती उनके साथ। जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, फिर वो रहते स्वस्थ और मस्त, सफाई भी होती उनके साथ। इसका क्या मतलब है? अब मैं एक मम्मी नहीं हूँ?